रामचरितमानस पर बिहार में लगातार सियासत जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी धर्म को लेकर बात करना सही नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने भी इसी तरीके की बात न करने की सलाह दी है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कुछ ही नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस विवाद पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बोलने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि उनकी बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते, ये कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सब बेकार की बातें हैं। हम देखिए हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते, इस सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बात है। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा, ये कोई एजेंडा है क्या? आरजेडी और जेडीयू में ट्विटर पर वॉर छिड़ गया। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट पर एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए एक ट्वीट किया, बुनियादी संसाधन उचित पाठन शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार। जिसके बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राबड़ी सरकार के शिक्षा बजट का आंकड़ा देखकर लिखा, ट्विटर की नहीं काम की सरकार, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। आरजेडी और जेडीयू में छिड़ी ट्विटर जंग को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने नीतीश कुमार की शिक्षा नीति की जोरदार तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की शिक्षा नीति की तारीफ हर कोई करता है, मैं तो जन जन की भाषा बोल रहा हूं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 दलों की सरकार चल रही है और 7 निश्चय पार्ट 2 पर चल रहा है। हमारी चिंता है कि जिसे हर खेत तक बिजली पहुँचा दिए, हर खेत तक पानी पहुँचा दें, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज, यही सब हमारी चिंता है। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, समाधान यात्रा पर हमारे नेता निकले हुए हैं, इसलिए हमारे ट्वीट का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। अरे भाई, जन जन का नारा है ना, बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार आप भी जानते हैं। हमने यह कहा कि ट्विटर की नहीं काम की सरकार। अब तेजस्वी बिहार और शिक्षित कुमार को लेकर आरजेडी और जेडीयू में छिड़ी ट्विटर वॉर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी बिहार का मतलब गलत निकाला जा रहा है, बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं ध्यान नहीं देना। बिहार, यशस्वी बिहार, नीतीश तेजस्वी की सरकार, बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार, हंसता बिहार, रोजगार की भरमार, नीतीश तेजस्वी की सरकार, इसलिए ट्विटर वॉर, इसलिए बीजेपी में मचा हाहाकार। नहीं, ट्विटर वार तो इसे नहीं कहेंगे। कोई अगर अपनी प्रतिक्रिया कुछ दे रहे हैं, उसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है या अपना ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान को हम चुनौती नहीं दे रहे हैं। बिहार में धान अधिप्राप्ति पर सीएम ने बीते दिनों समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक से गायब रहने पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव से जब सवाल किया गया तो मंत्री जी बहुत दिलचस्प जवाब देते हुए नजर आए। मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि सीएम किसी विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूछते रहते हैं, हर समय मंत्री का मौजूद होना जरूरी नहीं। कल धान नहीं, कल चल रहा था जनता दरबार, और जनता दरबार में हम थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना कई कार्यक्रम रहता है और पदाधिकारी से भी अपना समय समय पर राय मशवरा लेते रहते हैं और आदेश देते रहते हैं, तो जिसमें राय मशवरा देते रहते हैं और जो पदाधिकारी के बुला के अपना जानकारी लेना चाहते हैं, तो कोई जरूरी है कि हर समय मंत्री उसमें उपलब्ध रहेगा, ऐसा तो कोई नहीं जरूरी है। रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर बिहार में सियासी घमासान नहीं थम रहा। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार महागठबंधन पर हमलावर है। शिक्षा मंत्री के बयान से आहत बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने पटना में सरेराह रामायण का पाठ किया। शराबबंदी वाले बिहार में रोज शराब की तस्करी के नए तरीके सामने आते हैं। गोपालगंज में नदी के जरिए यूपी से बिहार में शराब सप्लाई करने का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने यादवपुर थाना क्षेत्र के खाप मकसूदपुर में गंडक नदी में 2 नाव से 125 कार्टन शराब जब्त की।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज से खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मंगलवार को कोडरमा से हुई, जहां बागीटार स्टेडियम में सोरेन ने जनता को संबोधित किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 को सिमडेगा, 24 को चाईबासा, 30 को सरायकेला खरसवा और 31 जनवरी को जमशेदपुर में होनी है। We'll be right back.